हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नैना बुटीक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम अंडरवियर कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक वीडियो काफी दिन अपलोड की थी, काफी अच्छा उसमें आप लोगों ने प्यार दिया था, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं अंडरवियर की कटिंग कर दूं। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है वो लिया है 1 मीटर, ठीक है, डबल फोल्ड है, 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, वैसे 1 मीटर है। उसके बाद इसकी जो अरज है वो है बड़ी, ये बिल्कुल सही दी है इसमें अरज। इसकी जो अरज है मैं बता देता हूँ आपको कितने इंच की है, यहाँ पर है 35 इंच की इसकी अरज। तो इस तरीके से करेंगे हम इसको फोल्ड, यानी कि डबल फोल्ड है इस प्रकार, और यहाँ पर हम इतना कपड़ा बचा लेंगे कवर बंद और रुमाली के लिए, ठीक है। और इसकी जो हम बॉटम रखेंगे यानी मोरी रखेंगे वो रखेंगे कम से कम 27 इंच, और सबसे ऊपर लगाएंगे हम एक निशान, ये देख लीजिए। और उसके बाद में यहाँ पर 2 इंच का लेंगे नेफा, इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर निशान लगाने के बाद में इसकी जो लेंथ है वो रहेगी करीब 16.5 इंच, ठीक है। तो हमने 16.5 पे यहाँ निशान लगा दिया। अब जो इसका आसन रहेगा वो आप यहाँ पर 14 इंच कटिंग कर लें, बड़े किसी भी अंडरवियर बड़े में आप 14 इंच कर लें। जो ज्यादा ही हैवी लोग हैं उनके लिए आप बढ़ा सकते हैं, मतलब नॉर्मल 40 हिप 42 हिप 44 हिप वालों तक के लिए आपको यहाँ पर 14 इंच आसन आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर भी 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और निशान लगाने के बाद में यहाँ से निशान लगाएंगे 14 इंच पे, और इस निशान को पूरा कर लेंगे। निशान को पूरा करने के बाद आपको मैं इसके स्टिचिंग भी बताऊंगा, ठीक है, स्टिचिंग किस तरीके से करेंगे। अब 27 इंच है इसकी मोरी, तो हम यहाँ 13 दूनी 26 27, यानी कि 27 का हाफ करके 13.5 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इसको इस तरीके से यहाँ पर हमें गोलाई देना है, ये देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर इसकी गोलाई दे देंगे, और यहाँ पर कर लेंगे हल्का सा क्रास, ठीक है, ज़्यादा क्रास नहीं करना है आपको, हल्का सा क्रास करना है, क्योंकि हमारी रुमाली यहां से निकल जाएंगी। अगर आपकी रुमाली बराबर आपका अगर यहां पर एक कपड़ा होगा तो आपको यहां पर किरास ज्यादा करना पड़ेगा, कम से कम 2.5 इंच, यानी कि इतना करना पड़ेगा, फिर यहां से रुमाली निकालते हैं हम ज्वाइंट करके, ठीक है, इस तरीके से लगाएंगे। मगर इसमें यहां पर हमारे रुमाली के लिए कपड़ा है तो हम यहां पर कम वो करेंगे, डाउन कितना डाउन किया वो बता देते हैं आपको। अगर आपको रुमाली इसी में से निकालना है तो 2.5 इंच यहां पर किरास करना होगा इस जगह से, ठीक है, इस जगह से। और अगर आप रुमाली अलग से निकालेंगे इस कपड़े में से तो आपको यहाँ पर करना होगा करीब 1.5 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे निशान लग चुके हैं, बहुत आसान है अंडरवियर को कटिंग करना। अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है, कटिंग करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको यहां पर अलग कर लेंगे नीचे बॉटम पे से। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये अंडरवियर कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा इसकी स्टिचिंग, यहां पर लगा देता हूं एक बॉटम के निशान फोल्ड करने के। तो चलिए दोस्तों मशीन पर चल के इसे करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों यहां पर हमने अंडरवियर लिया और यहां पर है ये हमारी रुमाली, रुमाली हमने कटिंग कर ली है। इसकी लंबाई आपको बता देता हूं, इसकी लंबाई है 8 इंच, और चौड़ाई आप अपने जितने भी लिख लें वो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिए 4.5, आप 5, 5.5 भी ले सकते हैं। और इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, जो उल्टा हिस्सा निशान वाला वो नीचे है, और यहाँ से जो गोलाई है, ठीक है, इस गोलाई से रुमाली अटैच करेंगे ये इस तरह। और यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लें, और कच्ची चाहें तो कच्ची भी लगा सकते हैं आप, मैं फिलहाल पक्की सिलाई लगाऊंगा जिससे हमें यहाँ ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर से पैर की सिलाई, अब आपको इसी पैंचे में, ठीक है, दोनों रुमाली एक ही पैंचे में लगाना होती है, जैसे अपने पजामे वगैरह में लगाते हैं वैसी ये यहाँ पर, ठीक है, एक ही पैंचे में दोनों रुमाली लगेंगी, और यहाँ से इस तरीके से इसे लगा देंगे। अब
दो हमने दोनों रुमाली अटैच कर ली है, किधर कर दी और एक इधर कर दी, ठीक है, ये वाली कर दी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो गोलाई वाला हिस्सा है ये वाला, वो नीचे की साइड में रखेंगे और यहाँ पर अब अपने इसको बंद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले खोलेंगे यहाँ पर चुड़िया नार डालने के लिए, कम से कम 1.5 इंच नीचे लाना है सिलाई को, यहाँ पक्का करके रोक देना है। उसके बाद हम जो उसका मुंह खोलेंगे नार डालने के लिए, वो खोलेंगे 1.5 इंच का, तो यहाँ से टांगी बांधेंगे इसको, मशीन को उठा लेंगे और यहाँ पक्का कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने चिड़िया खोली है यहाँ पर, यहाँ पर लगा लेंगे एक कट, यहाँ सिलाई लगाई ना, यहाँ कट लगा लेंगे और इसकी दरस फाड़ लेंगे। फिर सिलाई इधर लाना है और एक सिलाई इधर लगा लेना है, यहाँ पक्का कर देंगे। अब इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से हमें दूसरी साइड में भी चिड़िया खोल लेना है नाड़ा डालने के लिए, ठीक है। यहां से लाएंगे 1.5 इंच तक और यहां से 1.5 इंच का खोल लेंगे और सीधी सिलाई। अब यहाँ भी कट लगा लेंगे, अब इसका नेफ अलॉट लेंगे 1.5 इंच चौड़ा। अब हमने यहाँ पर नेफा लौट दिया है, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए आप, यहाँ नेफा लौट दिया है पूरा। और नेफा लौटने के बाद में अब हमें नीचे की साइड बंद करना है इसकी, ये वाली आसन वाली, ठीक है। तो इसको भी हम पक्का लौट लेंगे जिससे यहाँ पर धागे वगैरह ना निकलें। Thank you.
ये हमने पक्का लौट दिया है, अब इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसके देखो यहाँ बिल्कुल बंद सिलाइयाँ हो गई सारी, कोई कच्चा नहीं है, यहाँ कोई ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सिलाइयाँ बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, देखो कितनी फिनिशिंग से हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी खाली नीचे की मोरी फोल्ड करना है बस। तो यहाँ पर हम मोरी फोल्ड कर देंगे, 1 इंच चौड़ी मोरी फोल्ड कर देंगे, बस जितना ही आप मार्जिन दें उतनी चौड़ी यहाँ मोरी फोल्ड कर लें। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोरी भी फोल्ड कर ली है, अब इसी तरह हम अपनी ये वाली मोरी भी फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी धागे वगैरह काट लें और 1 इंच चौड़ी हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अंडरवियर हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट, देख लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अंडरवियर बन चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार आएँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।